ब्रांडेड सामान खरीदने पहनने ओढ़ने का शौक हर आम और खास को है। ब्रांड का भरोसा उसकी क्वालिटी कीमत वगैरह के चलते लोग कई बार दिखावा करने के लिए तो कभी टिकाऊ होने के चलते केवल ब्रांडेड सामान को ही खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन अब व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के एक सर्वे में ब्रांड्स को लेकर दिलचस्प खुलासा हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक देश के ज्यादातर छोटे और मंझोले ब्रांड्स FMCG, कॉस्मेटिक्स और कंज्यूमर्स जैसे सेक्टर्स में देश की आबादी के बड़े हिस्से की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। सर्वे का दावा है कि 30,000 से ज्यादा छोटे और मंझोले ब्रांड 80% आबादी की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। साफ है कि ब्रांड को लेकर देश की आबादी के एक छोटे से हिस्से में ही क्रेज है। बाकी बड़ी आबादी तो काम चलाओ ब्रांड से ही खुश हैं, क्योंकि वहां पर कीमत का सबसे ज्यादा महत्व है। आइए आप जानते हैं कि सर्वे के मुताबिक किन सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा कब्जा छोटे और मंझोले ब्रांड्स का है। कैट के एक सर्वे के मुताबिक इनमें खाद्य तेल, किराना, व्यक्तिगत सौंदर्य प्रसाधन, रेडीमेड गार्मेंट्स, शरीर की देखभाल के उत्पाद, जूते, खिलौने, शैक्षिक खेल और स्वास्थ्य देखभाल के उत्पाद शामिल हैं। कैट के मुताबिक बड़े कॉरपोरेट घरानों के करीब 3,000 बड़े ब्रांड्स को लेकर यह गलतफहमी है कि वो FMCG, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सौंदर्य प्रसाधन में देश के लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि देश के हर हिस्से में फैले 30,000 से ज्यादा छोटे और मध्यम लेकिन क्षेत्रीय स्तर के ब्रांड भारत के लोगों की मांग को पूरा कर रहे हैं। इन उत्पादकों के प्रोडक्ट्स आमतौर पर खुले में बिकते हैं। कैट के मुताबिक मीडिया और बाहरी प्रचार और मशहूर हस्तियों के विज्ञापनों की वजह से उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों का रुझान जरूर कॉरपोरेट ब्रांड पर रहता है, लेकिन छोटे और स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स के ब्रांड व्यापारियों के अपने ग्राहकों से सीधे संपर्क और बोलकर बेचे जाते हैं। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।